क्या कहना थे कि अब मोदी जी में क्या वो बात खत्म हो गई है कि अपने पार्टी को जीत दिला पाए? मैडम जब मैं एक चुटकुल्ला टाइप में बताऊंगा कि जब नई नई गर्लफ्रेंड बनती है ना, तो जो उसका पार्टनर होता है बहुत प्यार करता है, और फिर धीरे 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 सब कुछ खत्म होने लगता है। तो वैसे ही जब मोदी जी नए नए उभरे थे ना, तो जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया। पहली बार 250 से ज़्यादा सीटें दी, दूसरी बार 300 भी पार कर दिया, और इस बार साहब तो इस जुमले में लगे थे कि 400 पार कर लेंगे, लेकिन 240 भी जनता पार नहीं होने दी। मैडम मैंने अभी गांव में एक 400 वाली कुर्सी 240 रुपए में शर्मा जी हमने खरीद ली। अब हम सोच रहे हैं कि वो कुर्सी चलेगी कितने दिन, क्योंकि दो पैर उसके खराब हैं। तो मैडम जनता इनसे उबी हुई है। महंगाई के मामले में कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी पर कोई भी प्रवक्ता यहाँ पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार, गाय को माता कहते हैं, अभी मोदी जी का एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें गाय को लेकर खेल रहे थे। अब आप बताइए, गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा ले रहे हैं। और बाकी लालू जी ने कहावत कही थी, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो मोदी जी चंदा लेके धंधा दे रहे हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने भी बात करी बटोगे कटोगे वाली, कि मोदी जी अब बोल रहे हैं कि बटेंगे ही नहीं। हाँ, मोदी जी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके तो वोट बैंक एक रहेंगे लेकिन हमें बांटने और काटने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा हिंदू विरोधी पार्टी है, मैं सिद्ध करूंगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण हूँ मैडम, सबसे ज्यादा ब्राह्मण भाजपा की सरकार में मारे गए हैं। आप बता दीजिए कि कितना बड़ा मंत्री केंद्र में है, कि नो पांच नेता का, बड़े नेता का मंत्री का नाम बताइए जो ब्राह्मण हो, बताइए, नहीं गिनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ दरकिनार किया गया है, यूज एंड थ्रो। तो हिंदू राज्य बनाने की बात है मैडम, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमको हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम सबसे आगे खड़े हैं, लेकिन अडानी राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। ये हिंदू राष्ट्र के आड़ में अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, संविधान इजाजत देता हो, बनाइए। अच्छा, जैसे मैंने इनसे पूछा कि जिस तरीके से पहले लोकसभा चुनाव में झंडों पे मोदी जी के चेहरे लगे रहते थे, इतनी लगातार, ना झंडा है ना डंडा है, झंडुबाम है, क्या हो गया अब? मोदी जी को क्या पहले से पता चल गया था कि हारने वाले? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल है मैडम? क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल? यही कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल है। अब जो आदमी नॉन बायोलॉजिकल है वो समझ जाता है कि होने वाला क्या है। हैं, जब भगवान राम प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौंसल्या हितकारी, तो भगवान राम पहले जान गए थे कि होने वाला क्या है। उन्होंने एक बनाया सिस्टम। तो मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, वो जान गए कि हरियाणा हम हारने वाले हैं। तो बोले शर्मा जी क्या होगा कश्मीर का? तो बोले कश्मीर भी हारने वाले हैं। नड्डा हो गए? तो बोले कि दो राज्य में और चुनाव है। तो बोले मोदी जी अभी वहाँ की भविष्यवाणी मत कीजिएगा, पहले झारखंड और हरियाणा और कश्मीर को झेल लीजिएगा। तो मोदी जी ने वहाँ से अपना फोटो हटा दिया। जहाँ जहाँ ये हारने के कगार पे होते हैं वहाँ झंडे और डंडे से गायब हो जाते हैं, वहाँ पे नड्डा साहब को भेज देते हैं। ये नड्डा साहब का दुर्भाग्य है कि जीतेगा तो मोदी का फोटो और हारेगा तो नड्डा साहब का फोटो। ये नड्डा साहब के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। नड्डा जी इस समय कर रहे हैं रिहर्सल। अच्छा, इस बार तो चुनाव में रोजगार का वादा किया मोदी जी ने फिर से हरियाणा में कि 2 लाख का रोजगार देंगे। कौन से वाले रोजगार का किया है? अग्निवीर बनाने वाले का कि पकौड़ा तलने वाले का कि कौन से वाले का रोजगार दिया? मोदी जी के लिए तो पकौड़े बेचना भी रोजगार है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री का है, बने पकौड़ा बेचे चले। हमारा सिलेंडर का काम, हम सिलेंडर मोदी जी को फ्री में दिया करेंगे मैडम। तो क्या हो गया, अब गारंटियों पे भरोसा उठ गया है बिल्कुल से जनता जी? आप शर्मा जी, आप बताइए मोदी जी की गारंटी पर किसको विश्वास है यहाँ पे? कोई बता दे, किसी को नहीं है, अब नहीं है। अगर किसी को भी अगर आपको विश्वास है तो मैडम पर्स ये मोबाइल हमको दे दीजिए। मोदी जी की गारंटी, गारंटी मोदी जी की, उनके भक्तों को विश्वास नहीं है मैडम? विश्वास मैडम, हम लोग सनातनी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हो सकता है कि हिंदू ही हूँ। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो अग्नि को साक्षी मानकर हम लोग 7 फेरा लेते हैं। हिंदू भाई जानते होंगे बहुत बकायदे से, शर्मा जी होता है ना अपने यहाँ जी? बिल्कुल, कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, और एक गाना भी अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। मोदी जी तो यशोदा बहन के सगे नहीं हुए तो हमारे सगे थोड़ी होंगे मैडम। मतलब जो अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लिया हो वो आदमी अगर छोड़ सकता है तो जनता को काहे नहीं छोड़ देगा। ये भी एक मोदी जी का ये भी कहना है कि देखिए मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं, देशी मेरा परिवार है, 24 घंटे काम करूंगा देश के। मोदी जी ने कहा बोला सब सब ने, हो सकता है आपने भी अपने YouTube पे लिखा हो मैं मोदी का परिवार, सब ने अपने मोदी का परिवार लिखने का काम किया था। अब मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं, मोदी जी कह रहे थे 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, मतलब साफ स्पष्ट होता है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं।
18-18, 24-24 घंटे काम बोलते हैं मोदी जी की मैं काम करता हूँ जनता के लिए। मैडम देखिए मैं एक चीज बताऊँ, मैं गांव से आता हूँ, आपने गधा जरूर देखा होगा। गधा से महाराज चाहे 18 घंटा काम करवाइए या 20 घंटा करवाइए, काम ही करना रहता होता है। और बाकी मोदी जी तो शेर है मैडम, 56 इंच की छाती है और शेर 18 घंटा काम करता है। शेर बता दो, कोई बता दे 18 घंटा काम, सिर्फ वो सोता है, जब भूख लगती है ना सिर्फ खाने के लिए उठता है, बस सिर्फ खाने के लिए। मैडम ये आप अपमान कर रही हैं प्रधानमंत्री जी का, 18 घंटा वो काम कर ही नहीं सकते। अगर 18 घंटे काम करते तो पतलून हम लोगों की उतर जाती। विदेशों में इतनी रैलियां किया है मोदी जी ने, उस पर क्या कहना है? ऊंची खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नया सल्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था मैडम कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। तो मतलब मोदी जी तो ये नारा लेके आए थे ना, आप अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन की जगह क्या बुरे दिन आ गए? मैं चाहता हूँ मैडम हमारे अच्छे दिन आ जाए, हमें 400 वाला सिलेंडर मिले। मोदी जी ने तो कहा था 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, मिल रहा है, हो सकता है आप लोगों को मिल रहा हो। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं बोला था, मोदी सरकार बोला था। तो आप बताइए कि किसानों पर अत्याचार बंद हो गया? बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी युवाओं के हित में बोले, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार होना बंद हो गया है? महिलाओं पर अत्याचार करने वाले के लिए तो वो कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना हाथ करके ऊंचा उठा के वोट मांग रहे थे। 2900 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसके यौन शोषण की सीडी, और उसके साथ में वो खड़े होकर गलबहियां कर रहे थे जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे थे। इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। और अभी किस तरह से हरियाणा चुनावों में किस तरह से हाथ मजबूत करें, राम रहीम जिसे बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा हुई है, आरोप नहीं सिद्ध हो चुका है, सिद्ध होने के बाद उसे 20 साल की सजा हो रखी है, तब उसे फिर 20 दिन का पैरोल दे दिया गया। और उसने बाहर आते ही सबसे पहले क्या करा, बीजेपी के फेवर में उसने अपने फतवा जारी कर दिया कि इन्हें बीजेपी वालों को वोट दो। कैसे कैसे बलात्कारियों का संरक्षण करती है पार्टी, और फिर कहती है कि हम महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखते हैं। कितनी झूठी पार्टी, कितनी हद से ज्यादा निकम्मी पार्टी, शर्म भी नहीं आती इनको। हरियाणा की जनता ने साफ साफ साबित कर दिया कि अब गारंटी की गाड़ी जो है मोदी जी की चलने वाली नहीं है, उसको फ्लॉप करता मैं जी। कोई गारंटी नहीं, गारंटी ये भी दी थी ना, मैं वो भाई साहब की बात कर रहे थे, मैंने गारंटी ही निकाली थी, फिर से एक बार निकालता हूँ। 100 दिन में काला धन वापस आएगा, आज 10 साल से ऊपर हो गए, 1 रुपया काला धन का वापस नहीं आया। नोटबंदी कर रहा हूँ तो काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी करे हुए भी उसकी भी 8 बरसी हो चुकी है, अब तक 9वीं आने वाली है। अब उसके बाद वो 15 लाख खाते में आ जाएंगे, किसी के खाते में आए कोई नहीं। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, वो 35 रुपए और एड ऑन हो गया, 70 रुपए हुआ करता था, 35 रुपए और एड ऑन करके 105, 108, 110 पहुंचा दिया। आजकल की डेट में 95 रुपए मिल रहा है दिल्ली में। रुपया मजबूत होगा, सबने देखा है, प्रधानमंत्री जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसी देश का रुपया गिरता है, ये मोदी जी का बयान। तो आज हमारा डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ, 84 रुपए से ऊपर, और नोट की हालत, हमारे रुपये की हालत क्या हो चुकी है सभी जानते हैं। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ कौन सी स्मार्ट सिटी में सिटी बज रही है, एक सिटी दिखा दो कि जिसमें सिटी बज रही हो स्मार्ट सिटी की। वाराणसी मोदी जी का खुद का संसदीय क्षेत्र, आज भी वहाँ सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते लौट रहे हैं, हालत वैसी ही वैसी है, जस की तस है, जैसी छोड़ी थी वैसी है पिछले 10 सालों से, एक भी स्मार्ट सिटी का नामो निशान नहीं है पिछले 10 सालों में। उसके बाद आप क्या आता है जी, 2022 तक हर एक परिवार को घर, घर के देने में बार बार आंकड़ों में गड़बड़ा जाते हैं। निर्मला सीतारमण जी कहती है हमने 3 करोड़ घर दे दिए, अगले दिन ही मोदी संसद में भाषण देने आते हैं कहते हैं हमने 4 करोड़ घर दे दिए, झूठ बोलते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता, आपस में तालमेल ही नहीं है कि किसको क्या कहना है। 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, निर्मलीकरण ऐसा हुआ कि सभी देख रहे हैं गंगा जैसी थी वैसी ही वैसी है। और 2020 तक एक वो हमारी वो भी उमा भारती साध्वी जो थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी, और उसके बाद से वो वहां से हट गई, मंत्री पद से हट गई। अब तो मैं मंत्री हूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, अब जाके जो मंत्री उससे पूछो, हो गई गंगा साफ जी। उसके बाद जी खत्म कहानी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि पहली बरसात में तो हमारी जो है संसद भवन वो लीक कर गई। इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि पहली बरसात में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की छत वो गिर गई, राजकोट एयरपोर्ट की छत वो गिर गई, जबलपुर एयरपोर्ट की छत वो गिर गई, और बिहार में तो पीछे पुलों की ना मालूम गिनती कितनी है, 15-20-22 तो शायद बिहार में आए थे गिनती के पुल गिर गए हैं, लगातार ढह गए हैं। गुजरात में मोरबी पुल गिरा, अटल सेतु में दरारें आई, अटल टनल में दरारें आई, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना शानदार है। बरेली में झुमका भी नहीं गिरा था जितना पुल गिर रहा है भाजपा की सरकार में, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां गिर रहा है।
कहीं युवा गिर रहा है, कहीं किसान गिर रहा है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं एयरपोर्ट गिर रहा है, अभी तो मंदिर में भी पानी टपकने लगा था। मंदिर में भी लीकेज हुई, राम मंदिर लीकेज, मंदिर में भी लीकेज हुई, पार्लियामेंट में भी। अच्छा, आप बोलते हैं मोदी जी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, पर मोदी जी उल्टा कहते हैं कि कांग्रेस सबसे झूठी पार्टी है, जलेबी की तरह झूठ बोलती है। और मोदी जी लड्डू की तरह झूठ बोलते हैं, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जनता कंफ्यूज हो जाती है। जलेबी का एक आकार होता है, ठीक, जहाँ से शुरू होती है जलेबी, अगर आदमी समझदार है ना तो उस अड्डे पर पहुंच जाएगा, है शर्मा जी की नहीं। और लड्डू में कहाँ से शुरू हुआ है जनता कंफ्यूज है। तो मोदी जी लड्डू की तरह बिल्कुल सीधा साधा झूठ बोलते हैं, और इतना बड़ा झूठ बोलते थे कि जनता कंफ्यूज हो जाती है। अभी जैसे हरियाणा में झूठ बोला कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दिया। राजस्थान में तो इन्हीं की सरकार है, बोला भी था शर्मा जी, राजस्थान में दिया नहीं दिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे बोला कि ऐसा सरकार लाएंगे, ऐसा सरकार लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। और किस प्रकार से महिलाओं को लादा जा रहा है ये आप भी जानती हैं। हरियाणा में जैसे देखा जा रहा है कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है, तो क्या लगता है एक बड़ा झटका मिलने वाला है भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा की आम जनमानस को ठगने का काम किया, मैडम जेब कतरा होता है क्या करता है, पहले आपका ध्यान भटकाएगा और मोबाइल सर से लेके भाग जाएगा, ठीक। तो वर्तमान सरकार जो वहाँ की अभी सरकार है, किसानों की जेब काटने का काम किया, युवाओं की जेब काटने, युवाओं की तो पूरी जिंदगी ही काट दी है शर्मा जी की नहीं, और पहलवानों को जंतर मंतर पे इस प्रकार से घसीटा गया, इतना तो मैडम कोई दुश्मनी भी नहीं करता है। और वो देश मतलब हरियाणा की पहलवान नहीं थी, पूरे देश की पहलवान थी, मोदी जी की बेटी नहीं थी, पूरे देश की बेटी थी, लेकिन देश की बेटियों को घसीटने का अगर किसी ने काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। इसलिए हरियाणा की जनता ने ठाना है कि भाजपा को भगाना है। देखिए, मोदी जी ने लगातार चुनाव के दौरान कहा कि हमने विकास किया है, ये विकास देखेगी जनता, और अगर हरियाणा का विकास नहीं चाहेगी तो ही कांग्रेस को लाएगी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ का विकास देख लीजिए, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी विकास देख लीजिए। भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ सिलेंडर 950 और 1000 में मिल रहा है, और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 रुपये में मिल रहा है, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा मिल रही है। और भाजपा की सरकार में महिलाओं को किस प्रकार से रगड़ा जा रहा है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पूरे देश को मणिपुर बना देंगे। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि जिस जिस राज्यों में कांग्रेस के पाँव पड़ते हैं वो विनाश हो जाता है उस राज्य में। देखिए मैडम, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, तो विनाश का समय साहब का आ चुका है। और ये गांव के हमारे कहा जाता है, जहाँ कहीं डाढ़ा रानी तहाँ परा पाथर पानी, तो जका मोदी छू लिए हैं तो अगर सोने छू लें तो माटी हो गया। अच्छा, युवा का कहीं, युवा का कहीं कहीं नहीं हमारे भाई हुए, युवा बर्बाद होगा, बिनेस का कहीं बिनेस हमारे बिटिया हुए, पूरे पहलवानन का बर्बाद कह दिन, किसान का कहीं कहीं हम किसान के लड़का हुई, पूरा किसानन का मरुआ डरिन। तो मैडम भाजपा की सरकार में सब लोग परेशान हैं। देखिए, ये भी बोला जा रहा है कि उस तरीके से इस बार मोदी जी ने रैलियां नहीं की, पहले जैसे लोकसभा में झंडों पे से मोदी जी के चेहरे रहते थे, इस बार था ही नहीं वैसा, तो क्या पहले से खुद ही कहीं ना कहीं भाजपा को पता था कि हार मिलने वाली है? नहीं, थोड़े दिन पहले भी राहुल गांधी जी ने बोला था ना कि अब लोग मोदी जी से नहीं डरते, मोदी जी का प्रभामंडल जो है वो खत्म हो गया, मोदी जी का ऑरा जो है वो खत्म हो गया। तो हकीकत है, सबके सामने सबने देखा इस बात को कि कैसे उनके प्रभामंडल में कमी आ गई है, तो अल्टीमेटली उनकी जबान लड़खड़ानी शुरू हो गई है, कुछ का कुछ बोल देते हैं, आए बाएं दाएं शायद पहले बकना शुरू करा था जब लोकसभा के चुनाव थे, मटन मछली मुजरा लास्ट एंड फाइनल मुजरा तक आ गए थे, और अब भी उनकी यही हालत है। अब भी उन्होंने क्या बोला कि हम बटेंगे तो अगर हम यही रहेंगे तो ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, नहीं अगर हम बट गए तो सामने वाले जो है वो महफिल सजाएंगे। महफिल सजाएंगे, किस बात की महफिल सजाएंगे, कौन महफिल सजा रहा है भाई, देश की बात हो रही है, देश के हालातों पे बात करो, महफिलों की बात क्यों करते हो, महफिल और मुजरे की पता नहीं क्यों बातें याद आती है, नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, लगता है हिंदी मूवी ज्यादा देखते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है, महफिल मुजरा बहुत याद आता है इन्हें, अब पता नहीं क्या कहानी है जी, ये तो खैर भगवान ही जाने अब क्या उन्होंने छुपा रखा है इसमें, भविष्य अतीत के गर्त में क्या छुपा हुआ है कि महफिल और मुजरा बहुत याद आता है इनको। अब उसके बाद मटन मछली मुर्गे तो खैर आते ही आते हैं, अल्टीमेटली जो है लास्ट एंड फाइनल आपने सबने देख लिया कि अब मोदी जी का जो है ऑरा नहीं है, खत्म हो गया उनका जो जादू था वो खत्म हो गया। और ये बात हकीकत है जी, देखिए किसी का भी चीज़ का उत्थान और पतन निश्चित है, गीता का सार ही सबसे बड़ा यही है, उत्थान और पतन निश्चित है ही है। प्रभु श्री राम भी आए, प्रभु अवतार लिया, उसके बाद वो भी सरयू में जल समाधि लेके वापस अपने लोक को चले गए। श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने भी सारा कुछ करा, महाभारत रची, सब काम करा, सब काम हुए, उसके बाद उनका भी जाना तय हुआ। तो उत्थान और पतन तो प्रकृति का नियम है जो कि हमेशा हर चीज़ पे लागू होता है, तो इनका भी उत्थान हुआ था, अब इनका भी पतन शुरुआत हो गई है, फिसलना शुरू हो गए हैं। 200 कहाँ से शुरुआत हुई थी इनकी, 200
82 या 83 थी पहली बार के लोकसभा सीटें, उसके बाद ये 303 तक पहुंचे, 303 से 240 पे आ गए। अब 240 के बाद से इनके बाद धीरे धीरे इनके राज्य की सरकार इनके हाथ से खिसकती जा रही है। दिल्ली में MCD इनके हाथ से खिसक गई, हर जगह इनको उल्टे पैर लौटाया जा रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि अब इनका शुरुआत जो है उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है, अब ये वापस जाने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब धीरे धीरे डर नजर आने लग गया भाजपा का, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि हम अपने 5 कैंडिडेट उतारेंगे, तो कह रही जैसे ही घबराने लगती है तो ऐसे बातें करने लगती है भाजपा। जम्मू कश्मीर की आप बात करें सबसे बढ़िया, कितना जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लेक्स से बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाइड करा जाता है जम्मू कश्मीर के, हमने हालात बदल दिए, जम्मू कश्मीर 370 हटा दी, आम कश्मीरियों की हमने जनता जिंदगी बदल दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है टोटल 90 सीटों का, 90 में से 43 सीट जो है वो है जम्मू रीजन में, 47 सीट है कश्मीर रीजन में। अब भाजपा के कैंडिडेट कितने हैं कश्मीर रीजन में? मात्र 19। 47 सीटों में से मात्र 19 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार पाए हैं, और बाकी सीटों पे कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं कि इनके भरोसे हम अपनी सरकार बना लेंगे। इनके पास अपने कैंडिडेट तक उतारने के लिए मिले जब कश्मीर में लोकसभा चुनावों में कश्मीर रीजन की 3 सीट थी, तीनों सीट पे इनका कैंडिडेट नजर नहीं आया, जबकि इन्होंने तो कश्मीर में बहुत अच्छे काम करे हैं। अगर आपने वास्तव में काम करा था तो आपको कैंडिडेट उतारने में क्या डर था? और कश्मीर में आप देखो कि जिस दिन उन्होंने 45 कैंडिडेट की पहली लिस्ट सुबह निकाली थी, शाम होते होते वो लिस्ट वापस ले ली थी, लोगों ने मना कर दिया था, हमने इलेक्शन लड़ना नहीं, हमने जाके लोगों के बीच में जूते थोड़ी खाने हैं। तो पता चल जाता है इसी बात से कि इनकी नीति क्या है और नीयत क्या है।